नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। काफी लोगों को शायद ये पता नहीं होता कि मैं दुबई में जाकर टिकूंगा नहीं टिकूंगा, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, नॉर्मल पॉइंट्स है, ठीक है, आम जिंदगी के आम पॉइंट्स है। अगर ये पॉइंट्स आपके साथ है तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, आपको पहले ही पता चलेगा कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है होमसिक। अगर आप घर छोड़कर नहीं रह सकते हो कहीं और, तो आपने दुबई नहीं आना है, ठीक है। दुबई आपके लिए बनी नहीं है, क्योंकि होमसिक लोगों के लिए दुबई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट करना है आपका, आपके पेरेंट्स का, जिस जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली उनका, ठीक है। तो अगर आप होमसिक है, आप रह सकते हो दुबई में जाकर, अकेले सर्वाइव कर सकते हो, तो ही आपने दुबई आना है, तो ही आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, अगर आप लेजी हो तो भी आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। लेजी बंदों का यहाँ पे कुछ काम नहीं है। काफी सारे लोगों को यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है, ठीक है। क्या होता है पता है, यहाँ पे जब आते हो आप नए नए तो आपको बेड स्पेस में रहना पड़ता है, ठीक है। बेड स्पेस में कैसा होता है, सब मैनेज करना पड़ता है। अगर आप लेजी हो तो आप सुबह उठोगे नहीं जल्दी, लेट उठोगे, सारा काम लेट, और फिर आप जॉब सर्चिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लेजी हो तो भी आप यहाँ पे नहीं आओ, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली। ये आदतें चेंज करो, अगर आपका लेजीनेस कम होता है तो ही आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। थर्ड है, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो भी आपने यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि दुबई जो है ना, यहाँ पे जो काम करते हैं उनको पता है, बस और बस हार्ड वर्किंग लोगों का ही काम है यहाँ पे। लाइक जो सच्चे दिल से यहाँ पे काम करता ना, वही यहाँ पे टिकता है, वही आगे जाता है। आपने यहाँ पे ऐसा विदाउट हार्ड वर्क के यहाँ पे कोई टिकता नहीं है, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो भी आपने यहाँ पे नहीं आना है। फोर्थ पॉइंट है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, रुक नहीं सकते हो, आपका दिमाग हर टाइम चालू रहता है, या ये मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए, तो भी आप यहाँ पे टिक नहीं सकते हो, ठीक है। माइंड कंट्रोल, पेशेंस जो है ना वो आप में होने जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर पेशेंस है ना तो आपको दुबई का बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। क्या होता है पता है, सिंपली बताता हूँ। जब भी लोग यहाँ पे आते हैं ना विजिटिंग वीजा पर और जॉब सर्चिंग करते हैं, तो उनको अलग अलग ऑफर्स आते हैं। किसी को 1000 की सैलरी मिलती है, किसी को 2000 की सैलरी का ऑफर आता है, 3000 की ऑफर आता है। तो जिनके पास पेशेंस नहीं होते ना, वो लोग क्या करते हैं, झट से वो 1000 तो 2000 सैलरी का जो भी जॉब है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और बाद में वीजा लगने के बाद उनको 3000 का जॉब की ऑफर आना शुरू होता है, 4000 जॉब की सैलरी का ऑफर आना शुरू होता है। मैं दिरहम्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे 3000 1000 क्या बात कर रहे हो सर आप, ठीक है, दिरहम्स में बात कर रहा हूँ मैं। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को छोड़कर अगर रह सकते हो ना, जैसे होता ना इंडिया में आपके काफी सारे दोस्त होते हैं, दिन में जॉब करो, रात में जाओ दोस्तों को मिलो, हाय हेलो करो, छुट्टी के दिन जाके मिलो, आपका गेट टुगेदर होता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फैमिलीज मिलती है, इनको छोड़कर अगर आप रह सकते हो तो ही दुबई आओ। क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिटेड दोस्त होते हैं, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के दोस्त होते हैं, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ के दोस्त होते हैं, और यहाँ पे मल्टीनेशनल दोस्त होते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि आपका कोई इंडिया का ही या पाकिस्तान का ही दोस्त होगा, कोई श्रीलंकन, कोई अलग अलग भी हो सकता है, कोई फिलिपिनो हो सकता है, कोई रशियन हो सकता है, कोई इजिप्शियन हो सकता है, कोई लोकल अरबी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप फ्रेंड्स रिलेटिव्स को छोड़ सकते हो तो ही आप यहाँ पे आओ, ठीक है, आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों को दिखाने के लिए दुबई नहीं जाना है दोस्तों। मैंने काफी वीडियोस में ये पॉइंट्स कवर किया है, दोस्तों को रिश्तेदारों को जलन करने के लिए दुबई नहीं जाओ, क्योंकि उनको दिखाने के चक्कर में आपको बहुत बड़ा लग जाता है, ठीक है, लॉस लॉस हो जाता है बहुत बड़ा।
अगर आपको दिल से काम करना है, दिल से पैसे कमाने हैं, दिल से कुछ अच्छा बनना है, दिल से बहुत आगे जाना है, तभी आपने दुबई में आना है। मेरे दोस्तों को मैंने दिखाना है मैं दुबई जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ उनको अच्छा दिखाने के लिए। मेरे रिलेटिव्स को जलाना है मुझे, मैं दुबई जाऊँगा। ऐसे करके आपने दुबई आना नहीं है, ठीक है। अगर आपने जो मैंने पहले पॉइंट्स कवर किए ना, वो पॉइंट्स पर गौर करो, अगर आप में वो पॉइंट्स है तभी आपने दुबई आना है। किसी को दिखाने के लिए आप अगर यहाँ पे आते हो ना, आपको बोरिया बिस्तर बंद करके जब आपका वीज़ा ख़त्म होगा, विजिट वीज़ा, आपको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्किंग लोगों का ही काम चलता है। एसी की एलर्जी हो ना आपको, तो भी दुबई नहीं आओ। यहाँ पे हर जगह पे एसी होता है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आपको टॉलरेट नहीं करेगा। एसी बंद करो, आपके अकेले के लिए कोई दूसरा बंदा एसी नहीं बंद कर सकता है। एसी की आदत लगाओ नहीं है तो, ठीक है। एसी मुझे ठंड लगती है, ये यहाँ पे रीजन नहीं चलता। यहाँ पे हर जगह पे जाओ एसी होता है, हर जगह पे। इवन बेड स्पेस में जाओ वहाँ पे भी होता है, कोई छोटा मोटा सुपरमार्केट है, कोई शॉप है, वहाँ पे भी होता है। तो एसी के अगर आपको एलर्जी है तो भी आप दुबई नहीं आओ। अगर आना है तो एलर्जी के या आपको जो भी है ना ये मेंटल कि मुझे एसी नहीं चलता, ये वो निकालो फिर आ जाओ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आगे का पॉइंट है, आपको अगर काफी लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होता ना, अकेला अकेला रहना है, वो भी बंदे यहाँ पे नहीं टिकेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब बंदा नया विजिट वीजा पर आता है ना, उसको ग्रुप में रहना पड़ता है। ग्रुप में मतलब बेड स्पेस में दो तीन लोगों के साथ, चार पांच लोगों के साथ, जो भी आपके साथ है उनके साथ रहना सीखो, उनके साथ बात करना सीखो, आपको एक नॉलेज मिलता है उनके साथ, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बंदा आता ना, मैं अकेला रहूंगा, मैंने किसी के साथ बात नहीं करनी है, तो वो भी बंदा यहाँ पे नहीं टिकेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो सोशल, ह्यूमन सोशल होता है, मतलब वो सोसाइटी में रहता है सबके साथ मिलजुल के बात करके, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इनमें से हो ना कि आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो अकेले अकेले, तो भी उसका भी कुछ काम नहीं यहाँ पे होगा, कुछ नहीं होगा, वापिस जाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट में बट नॉट इन लिस्ट, सेविंग ज्यादा करने वाला बंदा ही यहाँ पे टिकता है, और जिसके एक्सपेंस कम होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपकी जो भी 2000 दिरहम सैलरी आ गई, 3000 आ गई, उड़ा दो, ये मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, ये करो ये करो ये करो आप, ठीक है। एक महीना करो, बाद में सेविंग के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि आप आपकी फैमिली फ्रेंड्स छोड़कर इतने दूर इसलिए आए हो क्योंकि आप कुछ सेविंग करो, ठीक है। सेविंग नहीं है तो आपको, सेविंग अगर आप यहाँ पे नहीं करोगे, इमेजिन करो आपको कभी भी कंपनी ने कुछ मसला हो गया, आपका कोई झगड़ा हो गया, कंपनी आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। टर्मिनेट करेंगे, आप वापिस जाओगे, भले आपने 3 साल यहाँ पे काम किया, 4 साल काम किया, जब वापिस जाओगे हाथ में आपके कुछ नहीं होगा, घंटा होगा सिर्फ आपके। दोस्त रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दुबई में बंदे ने 4 साल गुजारे, 3 साल गुजारे है, बहुत पैसा है इसके पास, रियलिटी में क्या होगा, आपके पास कुछ नहीं। तो ये मेरी बात बहुत गौर से सुनिए दोस्तों, सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस कम रखो, फिजूल का खर्चा यहाँ पे नहीं करना है, जो भी है इंडिया में सेविंग करो, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स कवर किए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसी तरीके से और भी पॉइंट्स निकालूंगा आपके लिए दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा इसका, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे पिछले वाले वीडियोज देखना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं वीडियोज बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।